हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत दिल से थैंक्स करना चाहूँगी जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को अपना टाइम निकाल कर देख रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो है पुराने कार्डबोर्ड से न्यू फ्लावर वास प्लस नाइट लैम्प किस तरह से बनाएंगे। इसमें मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो वेस्ट मटेरियल यूज़ करा है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक कार्डबोर्ड, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इसमें चिमनी का एक पाइप आया था, तो इससे हम बनाएंगे एक लैम्प शेड और फ्लावर पॉट। तो ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था इसलिए इसकी शेप ख़राब हो गई है, तो पहले हम इसकी शेप ठीक करेंगे, इसे प्रॉपर स्क्वायर करेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मास्किंग टेप, ब्राउन कलर की मास्किंग टेप ली है। इसे मैं इसके फोर साइड्स में टाइटली रैप कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने रैप कर दिया है, देखिए ये स्क्वायर हो चुका है। अब इसकी शेप ठीक हो गई है दोनों साइड से, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर का पार्ट थोड़ा थोड़ा मैंने कट कर दिया है जो कि ख़राब हो चुका था, तो इसके फोर साइड से मैंने छोटे छोटे होल्स किए हैं और ये होल्स मैंने 6 इंचेस के गैप पर करे हैं। एक साइड में 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2, इस तरह से होल्स किए हैं। कार्डबोर्ड में होल करने के लिए मैंने सीज़र का यूज़ किया है और इससे बहुत इजीली होल्स हो रहे हैं। नीचे का कुछ पोर्शन छोड़कर मैंने इसमें गैप देकर ऊपर ऊपर होल किए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। एक कार्डबोर्ड का पीस मैंने इसके नीचे फिक्स कर दिया है, वो भी फेविकोल के साथ, जिससे कि ये प्रॉपर स्टैंडिंग में रहे, इधर उधर हिले नहीं। अब मैं इस पर पेस्ट करूंगी वाइट पेपर जो कि वेस्ट पेपर है। एक्चुअली ये वॉल पेपर के बैक साइड का जो पेपर है वो पेपर है मैं इसमें यूज़ कर रही हूं, और इस ये वाटरप्रूफ होता है इसलिए मैंने इस पर यूज़ किया। तो इस पेपर से मैं इस पूरे कार्डबोर्ड को रैप कर दूंगी। Oh, 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 oh
फ्रेंड्स, ये मेरा कार्डबोर्ड पूरा वाइट पेपर से कवर हो चुका है। इस पर पूरा मैंने रैप कर दिया है। अब जो बचा हुआ पार्ट था पेपर का, वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है सिंपल फेविकोल की हेल्प से। मैंने ये पूरा कार्डबोर्ड पर ये वाइट पेपर पेस्ट किया है। वाइट पेपर पर भी सीज़र की हेल्प से ही मैंने सेम प्लेस पर होल्स कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ फॉइल पेपर रोल के रोल्स हैं जिनको मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट करके और उनको हाफ हाफ करके कट कर दिया है। और ये कुछ गोल्डन में मैंने थोड़े बड़े कट किए हैं, और जो मैंने छोटे वाले कट किए हैं वो एक बड़ा और एक छोटा करके इस तरह से कट किए हैं। इनको भी मैंने फेविकोल की हेल्प से ही पेस्ट किया है अपने तरीके से। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसे मैं आपको फोर साइड से शो करती हूँ, इसको मूव करके। देखिए, ये इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। इसके होल्स को हाईलाइट करने के लिए गोल्डन एक्रेलिक कलर का मैंने यूज़ किया है। अब हमारा ये लैम्प और फ्लावर वास बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा वेट करने के लिए हम इसमें कुछ न्यूज़पेपर क्रश करके इसमें डालेंगे। तो ये है मेरा लास्ट स्टेप। इसमें लाइटिंग के लिए मैं एक लड़ी रख रही हूँ और उसके बाद फ्लावर स्टिक्स रखेंगे और फिर देखते हैं कि इसका क्या लुक आया है लाइट्स ऑफ होने के बाद। ये है इस फ्लावर वास और नाइट लैम्प का फाइनल लुक। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा ये आइडिया पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।